एनएसयूआई के राष्ट्रीय अध्यक्ष हमारे बहुत ही प्यारे नेता नीरज कुंदन जी यहाँ उपस्थित, हमारे सभी सम्मानित नेतागण, हमारे सीनियर नेता शक्ति भाई गोयल जी, देवेंद्र यादव जी, उदित राज जी, अमृता जी, विपिन वानखेड़े जी, सुरेंद्र यादव जी छत्तीसगढ़ से, और हमारे हरियाणा से बुद्धि राजा जी, यूथ कांग्रेस के कुंडू जी, देश भर से कश्मीर से कन्याकुमारी तक हमारे नौजवान छात्र साथियों, आप आज यहाँ पर इस अवसर पर इकट्ठा हुए हैं। जगह जगह पर भीड़ लगी हुई है, अभी मुझे रास्ता भी नहीं मिला, इतने हमारे छात्र साथी इतने जोश से जगह जगह पर भीड़ में खड़े हैं, केवल एक ही मकसद लेकर, राहुल जी के आह्वान पर, नीरज जी के आह्वान पर आज छात्र के अधिकार के लिए आप यहाँ पर मार्च के लिए उपस्थित हुए। साथियों, ये कहने में कोई गुरेज नहीं है, एक एक वक्ता ने इसको बात को माना है, पहचाना है कि आप हमारे देश का भविष्य हैं। आज हमारे जितने भी सीनियर नेता हैं, सभी आप लोगों के बीच से निकले, आप में से न जाने कितने साथी आने वाले समय में अपनी अपनी फील्ड में नेता बनेंगे, लीडर बनेंगे। एनएसयूआई नींव रख रही है ऐसे युवाओं में, संघर्ष की, अन्याय के खिलाफ लड़ने की और कांग्रेस पार्टी की विचारधारा की। ये नर्सरी है, एनएसयूआई नर्सरी है, जहां से ऐसी पौध पेड़ बनकर निकलेंगे, फूल महकेंगे, लोगों को छाया देंगे। एनएसयूआई आज यहाँ पर ये मार्च निकाल रही है छात्रों के अधिकारों के लिए। साथियों, जब से ये भारतीय जनता पार्टी मोदी सरकार आई, सबसे ज्यादा उत्पीड़न हमारे युवा वर्ग का, हमारे छात्रों का हुआ है, क्योंकि आपको अगर सही शिक्षा नहीं मिलेगी, आपका आगे का जीवन भी अंधकार में होगा, और अगर आपका जीवन अंधकार में, आपका भविष्य अंधकार में होगा, तो इस देश का भविष्य भी अंधकार में होगा। चाहे नई शिक्षा नीति की बात करें, चाहे नौकरियों की बात करें, मुझसे पहले वक्ताओं ने कहा, आप सब जानते हैं, भारतीय जनता पार्टी ने, मोदी जी ने खुद ऐसा जुमला छोड़ा था, कहा था हर साल 2 करोड़ नौकरियां देंगे। साथियों, वो एक जुमला, एक सपना बनकर रह गया। ऐसे सपने ये साकार करने में मोदी सरकार और भारतीय जनता पार्टी सरकार कभी भी विश्वास नहीं रखती, केवल गुमराह करने में विश्वास करती। आज के दिन नौकरियां हैं नहीं, इम्तिहान ढंग से लिए नहीं जाते हैं, हर चीज में कंफ्यूजन पैदा करते हैं। अगर हम बात करें अपने एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस की, वहां पर भी आरएसएस के लोगों को धक्के से अपॉइंट किया जाता है,
जिनके क्वालिफिकेशन तक नहीं होती, ऐसे आरएसएस के लोगों को अपॉइंट किया जाता है। छात्रों में जहर घोला जाता है, डिग्रियां मिलती नहीं। आज आपने बिल्कुल कुंदन जी सही बात को पकड़ा है, नौकरी दो या डिग्री वापस लो। क्या फायदा है इन कोरे कागजों का जो रद्दी की टोकरी में जाए। हमारे बच्चे मेहनत करते, स्कॉलरशिप हर तरह से बजट खत्म कर दिया जाता है। हमारा जो जो कमजोर वर्ग है, SC BC के स्टूडेंट्स हैं, उनके वजीफे कम कर दिए जाते हैं, खत्म किए जाते हैं, समय से मिलते नहीं हैं। तो कैसे भविष्य में हमारे नागरिक कंधे से कंधा मिलाकर आगे बढ़ेंगे। अगर यहीं पर ऐसा भेदभाव होगा, बच्चों के साथ छात्रों के साथ भेदभाव होगा, तो ये देश आगे नहीं बढ़ सकता। आज आप सब यहाँ पर अपना ये रोष प्रकट करने आए हैं। मैं तो चाहूंगी कि जहाँ पर इतनी संख्या में आप आए हैं, इतना उत्साह लेकर कांग्रेस पार्टी के प्रति, राहुल गांधी जी के प्रति, क्योंकि आप जानते हैं कि आज के दिन देश के युवा छात्र की आवाज कोई उठा रहा है तो वो केवल और केवल राहुल गांधी जी है। अगर राहुल गांधी जी आपकी आवाज नहीं उठाएंगे, नीरज कुंदन जी MSUI के अध्यक्ष आपकी आवाज नहीं उठाएंगे, हमारे अनेकों साथी छात्र नेता आपकी आवाज नहीं उठाएंगे, तो साथियों आपको कोई पूछने वाला नहीं। मैं आह्वान करती हूँ आप सब कि आप अपने अपने राज्य में जाकर, अपने अपने इंस्टीट्यूशन में जाकर कांग्रेस पार्टी का, हमारे देश के इतिहास के आजादी की लड़ाई का ये सारा इतिहास लोगों में फैलाइए। कांग्रेस की विचारधारा युवाओं में, छात्रों में फैलाइए। जो भारतीय जनता पार्टी सरकार हमारे इतिहास को बदलना चाहती है, ये देश की धरोहर है। हमारा इतिहास, कांग्रेस पार्टी का योगदान और उस समय असंख्य आप जैसे छात्र और युवाओं का योगदान। ज्यादा कुछ ना कहते हुए मैं आप सभी का धन्यवाद करती हूँ, आपको बधाई देती हूँ कि आप अपने भविष्य के लिए और जबान बनकर देश के असंख्य छात्रों के लिए आज यहाँ पर आए हैं। इसी तरह से आप अपनी आवाज उठाते रहिए, कांग्रेस पार्टी को, कांग्रेस की विचारधारा को और राहुल गांधी जी के हाथों को मजबूत करते रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय NSUI।